ऐसा लग रहा था 2020 के खत्म होते होते कोरोना वायरस भी हमें बाय बाय टाटा गुड बाय बोल देगा। न्यूज देखकर तो कम से कम ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि 2-3 देशों में कोविड के वैक्सीन की ट्रायल फाइनल स्टेज में है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जनवरी के शुरू में ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इन 2-3 देशों में हमारा देश भारत भी मौजूद है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी है, और वो देश है रूसिया और अमेरिका। और वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके राष्ट्रपति ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने से लोग मगरमच्छ बन सकते हैं, लड़कियों की दाढ़ी और मूछें आ सकती हैं। वैसे आपको बता दें, जिस देश के राष्ट्रपति ने ये बातें कही हैं उस देश का नाम है ब्राजील, और ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देशवासियों से मास्क न लगाने का अनुरोध किया था और कोरोना का मजाक भी उड़ाया था, जिसके बाद कोरोना ने इनका मजाक उड़ा दिया और तब से वो अब तक मास्क में ही नजर आते हैं। वैसे एक बात तो पक्का है, जिन जिन लोगों ने कोरोना का मजाक उड़ाया उनकी लग गई, वो भी अच्छे से। कर बढ़ते हैं आगे। आपसे मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में पूरे डिटेल से बतलाएंगे आपको, और ये भी बतलाएंगे कि क्या ये पिछले वाले कोरोना वायरस जितना डेंजरस है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जिस तरह से कोरोना के वैक्सीन के बारे में न्यूज दिखाया जा रहा था उससे सबको यही लगने लगा था कि अब हम इस महामारी से निजात पाने ही वाले हैं। लेकिन फिर 21 दिसंबर को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनने और देखने के बाद सभी का माथा ठनक गया। खबर थी कोरोना वायरस के नए रूप के बारे में, या फिर आप प्रो वर्जन भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस नए कोरोना वायरस को सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में लोकेट किया गया, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और बाकी के और ऐसे भी 60 देश हैं जिसमें इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लोकेट किया गया है। उन बाकी के 50 देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। तो भगवान ने जो कोरोना वायरस का प्रो वर्जन लॉन्च किया है वो म्यूटेटेड है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रो वर्जन में कुछ न कुछ खासियतें होती हैं, और इस म्यूटेट कोरोना वायरस की खासियत यह है कि ये पिछले वाले कोरोना वायरस के मुकाबले 71% तेजी से फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोरोना वायरस ने खुद को म्यूटेट किया है, आपने पहले भी इसके म्यूटेशन के बारे में न्यूज देखा होगा, लेकिन पहले वाले इतने ज्यादा हाई रेट से स्प्रेड नहीं करते थे कम्युनिटी में। यहाँ आप बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, म्यूटेशन। जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, फिर भी मैं आसान भाषा में और सरल भाषा में आपको बता दूं, म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव या फिर बदलना, खुद को बदलना या फिर परिवर्तित होना। अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और बाकी के डेवलप्ड कंट्री के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन ये स्प्रेड कर रहा है बहुत ही तेजी से। तो फाइनली हम आपसे यही कहेंगे कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें। अगर न्यूज में आपको दिखाया जा रहा है कि ये उतना डेंजरस नहीं है नया जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, तो आपसे मैं बता दूं कि अभी तक कोरोना वायरस से कुल हमारे देश में 1,20,000 मौतें हो चुकी हैं, और ये वैसे मौतें हैं जो नोट की गई हैं। बाकी के न जाने कितने ही हमारे देश में मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस से, जिनके बारे में कोई भी डेटा, कोई भी लिखित कुछ भी मौजूद नहीं है, उनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझे कि ये डेंजरस नहीं है तो हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके साथ, जिस परिवार के साथ ये घटना हो चुकी है, जिनको हो चुका है ये, वही लोग समझ रहे हैं, या फिर जिनके परिवार वाले अपने बिछड़ गए हैं इस कोरोना वायरस के वजह से। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपको ये मैं नहीं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें या कुछ करें, आप ये जानकारी अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। Thanks for watching this video. Have a nice time.